हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल एबी रॉक्स टीम्स। एंड यहाँ पर कोपा सोडा अमेरिकन लीग का मैच हो रहा है सैन लोरेंजो वर्सेस आईएम के बीच। देन बात करें, मेरा टेलीग्राम चैनल लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, जाइए फटाफट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर करो क्लिक एंड ज्वाइन हो जाओ। और गाइस, हम इस वीडियो के अंदर किसी भी तरह की चीज़ को प्रोत्साहित नहीं कर रही, वीडियो बहुत ही ज़्यादा सेफ और नॉलेजेबल है। सो बढ़ते हैं आगे, बात करूँ इस मैच की। देखिए, कोपा सोडा अमेरिकन लीग का मैच है और ना ही मैं कहूँगा कि ज़रूरी है खेलना। देखो, आप वैसे खेलो, अगर खेलना है तो मैं वो मना नहीं कर रहा, खेलना होता है फिर तो बंदा जी जान से खेलता है, मैं वो नहीं कर रहा। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि जैकपॉट है, मैं स्पेशल जागूंगा या अलार्म लगाऊंगा, तो ये चीज़ गलत है। वैसे आपने खेलना है खेल लो, बट स्पेशली मत खेलना, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, बात करें यहाँ पर स्ट्राइकिंग की, तो आप सब जानते हैं कि मेरा जो फेवर रहने वाला है वो सैन लोरेंजो को रहने वाला है, क्योंकि सैन लोरेंजो रैंकिंग में थोड़ी सी इनसे बेटर है। प्लस आईएम टीम पे मुझे थोड़ा सा डाउट रहता है, बट मैं इतना अपना डाउट क्लियर नहीं कर पाऊंगा इस मैच में, क्योंकि क्या ये मैच मैं खुद नहीं खेल रहा, क्योंकि क्या है कि 5:30 मैच है और अपन लोग वैसे कल के मैच एनालाइज करने के चक्कर में लेट्स होते हैं, जिस कारण मैच एनालाइज हो नहीं पाएगा। मतलब अगर मैं इसको खेलता हूँ तो मेरे कल के मैच एनालाइज नहीं हो पाएंगे, ये मैच तो एनालाइज है, इसकी टेंशन ना लो भाई, ठीक है। तो सबसे पहले बात करें यहाँ पर कुछ प्लेयर्स की। देखिए, ए बरेरो हर मैच खेलता है और जी मैं रोनी हर मैच खेलता है, लेकिन ये कुछ करते क्यों नहीं है मुझे समझ नहीं आती। जबकि ये टीम थर्ड रैंक पर आज पहुँची हुई है, तो थर्ड रैंक पर पहुँचने का जो एक जोर होता है, जो एक रीज़न होता है पीछे, वो होता है स्ट्राइकिंग और मिडफील्डिंग की पार्टनरशिप, जो इस टीम में नहीं है। बरेरो पहले चलता था, अब नहीं चल रहा। जी मरोनी जब चलता है तब बहुत चलता है, जब बिल्कुल नहीं चलता कई बार, तो ये हिसाब है। और ऑपोजिशन टीम की बात करूं तो उनका एक खिलाड़ी है भाई, लुशियानो को मैं लेने के लिए हमेशा तैयार रहता हूं, क्योंकि ये बंदा आईएम टीम की तरफ से गोल कर सकता है। जिनके मन में गलत फहमी है कि आजकल क्लीन शीट में जोर है, आजकल तो भाई जो पहले नमूने थे ना, जो 4-4, 5-5 डिफेंडर लेते थे और जो अपने आप को समझते थे हम फुटबॉल के बाप है, अब तो उनकी बजी हुई है। अब सुन लो, अब हमारा टीम बनाने का तरीका क्या है कि मैं देख के बनाता हूँ, जब 4 डिफेंडर की ज़रूरत होती है 4 लेता हूँ, 3 की होती है 3 की लेता हूँ, 5 की होती है 5 लेता हूँ। लेकिन मैं पागल नहीं हूँ कि एक ही स्टाइल में बार बार टीम बनाता रहूँ, जब ज़रूरत पड़ती है तब करता हूँ। अब कई लोग पहले क्या करते थे, 4 डिफेंडर हर मैच में, उनकी बजी हुई है, क्योंकि मिडफील्डर आजकल जोर में है और मिडफील्डर का जो चलने का रीज़न है वो ये है कि स्ट्राइकिंग थोड़ी डाउन हुई हुई है। सो आप एल्फोंस को तो इसको तो लो, बट जे मैनुअल एकोस्टा तो आपका आएगा नहीं, जे मैनुअल तो इसमें क्या है कि मिडफील्डिंग में पूरा जोर रहने वाला है। मिडफील्डिंग में डी टॉर्स को यहाँ पर मैं लेने वाला हूँ अपनी टीम में। डी टॉर्स के बाद अगला प्लेयर छांटना मेरे लिए सबसे मुश्किल काम है, ठीक है, आईएम टीम का। बाकी ऑपोजिशन टीम की बात करूँ तो उनका देखिए, पहला प्लेयर जिसको मैंने लिया वो है इवान, ठीक है। इवान एवरेज है, मतलब आप सोच रहे कि ये कर देगा वो कर देगा, वो ऐसा कुछ नहीं करेगा। और इलियास को लूँगा यहाँ पर, क्योंकि आई वांट टू गो सेफ, मैं इतना पागल नहीं हूँ कि इतने बड़े बड़े रिस्क ले लूँ इतने छोटे मैच में। और बात रही और खिलाड़ियों की, देखिए अब लोग क्या करेंगे, डी मोरेनो लेंगे, लेकिन मेरी राय मानो तो आपको जे ऑर्टिज या डी क्विनेंस में से एक लेना चाहिए। आई एम गोइंग विद डी क्विनेंस। आगे से अगर बात करें डिफेंडिंग की, तो यहाँ पर मैं लूँगा आर पेरेस को, उसके बाद जी हर्नांडिस को, ठीक है। उसके बाद मैं कैंपी को भी नहीं ले रहा, वैसे कैंपी अच्छा है, बहुत अच्छा खिलाड़ी है कैंपी। अगर आप इस मैच में 4 डिफेंडर लेना चाहते हो तो ले सकते हो, ये वो वाला मैच है, ये छोटा मैच है, ये बड़े लेवल का मैच नहीं है, इसमें आप ये रिस्क लोगे हो सकता है आप चल जाओ। बाकी मैं ब्रेडा के साथ जाऊंगा, क्योंकि ब्रेडा 4 डिफेंडिंग में ना असिस्ट बहुत करता है, मेरा ऐसा मानना है। क्योंकि मैट्रगेनी भी अच्छा है, लेकिन मैट्रगेनी ब्रेडा कैंपी में से कौन खेलेगा ये साफ हो जाएगा लाइनअप्स के बाद। और बात करें गोल कीपिंग की, मुस्कैरा हमेशा। तो बात करें कैप्टन की, कैप्टन है मेरा ए बोरेरो, वाइस कैप्टन अभी मैरोनी। आप चाहो तो लुशियानो के साथ जा सकते हो, वैसे है दमदार खिलाड़ी, गोल करने में माहिर, हर बड़ी टीम को गोल लगा रखा है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन वो आप पे डिपेंड है कि आपने रखना है कि नहीं, क्योंकि मैं देखो मेरा क्या होता है ना, मैं जिस टीम को फेवर करता हूँ ना, हर बार कैप्टन वाइस कैप्टन उसी का रखता हूँ, मेरे साथ ऐसा 90% है। क्योंकि अगर मैं आज लुशियानो को रख दूंगा ना, मुझे पता है मुझे दिक्कत आ जाएगी, इसलिए मैं नहीं चाहता कि आप हारो, मैं हराना नहीं चाहता, क्योंकि फिर आप बोलोगे भाई तूने तो खेला नहीं। मैं अपने मुंह से बोल रहा हूँ कि मैं इस मैच को नहीं खेलूंगा, ये बहुत जल्दी है, अगर ये मैच 6:30 भी होता तो शायद मैं खेल लेता, 5:30 का तो मतलब ही नहीं उठता, ठीक है। तो यहाँ पर इसलिए मैं आपको कहूँगा कि खेलना है खेलो, नहीं खेलना देन यू कैन स्किप। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।